तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। मतलब कोई भी स्टूडेंट है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के बिना अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा शायद, उस थोड़ी देर के रह जाओगे, पर एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए मेरे दो तीन फ्रेंड्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई टीएनसी ले लो। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोझा पलारिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट पटना, एक बार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर, जिन्होंने ली एक बहुत ही बड़ी सफलता, और बहुत ही बड़ी नहीं मैं तो बोलूंगा सबसे बड़ी सफलता हासिल की है, ऑल इंडिया रैंक 2। नेहल जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। कैसा लग रहा है? एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा हासिल किया है, एक बहुत ही बड़ी रैंक है। इससे तो सिर्फ एक ही बाकी रैंक ऊपर रही है, बाकी तो बहुत ही बड़ा आपने हासिल किया है। कैसा फील हो रहा है? सर बहुत बढ़िया, मतलब वर्ड्स ही नहीं है, क्या बोलूं। मतलब बहुत ही स्पीचलेस आपके चेहरे पे, आपके स्पीचलेस। चेहरे पे वो खुशी नजर आ रही है, एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया, और ये बिल्कुल खुशी तो बनती ही बनती है, और बहुत ही मजा आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही लेना चाहूंगा, आज से मैं आपसे बहुत सारी चीजें जानूंगा, तो क्या ऐसी उम्मीद थी कि यार इतना बड़ा, एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आने वाला है? सर उम्मीद तो नहीं थी, पर मेहनत थी, तो मतलब वो मेहनत थी तो शायद ऊपर वाले ने हाथ दे दिया। बाकी ऐसे उम्मीद तो नहीं थी, पर मेहनत कर रहे थे, वो उम्मीद ऑटोमेटिक आ जाता है। बहुत ही अच्छी बात बोली है, मेहनत करने वालों के साथ भगवान होता है, और वो उम्मीद 101% पूरी होती है, और वही उम्मीद आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 में कन्वर्ट हुई है। तो आज हम आपसे बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। वैसे तो हमने आपका पिछली बार नॉर्थ स्टेट में इंटरव्यू किया था, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी, आप बहुत जबरदस्त रैंकर्स हैं, तो आज आपसे बहुत सारी चीजें पूछने वाले हैं। किस प्रकार से मेहनत की जाती है, किस प्रकार से सिलेक्शन लिया जाता है, और किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई जाती है, वो सारी चीजें आज आपसे जानने वाले हैं। आज आपके ऊपर बहुत सारे हम सवाल दागने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चंस का जवाब लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस इंटरव्यू सेशंस में आपका स्वागत, और इस इंटरव्यू का जो सवाल शुरुआत करते हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। सर मेरा नाम है निहाल राठौर निहाल, मैं गुजरात स्टेट से बिलोंग करता हूँ, उसमें सर साबरकांठा मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उधर से मैं रहने वाला हूँ। फिर मेरी स्टडी के बारे में मैं बताता हूँ, मैं जीएनएम करा था मैंने, उसके बाद में मैंने पोस्ट बेसिक किया था। पोस्ट बेसिक करते करते ही मैंने स्टेट गवर्नमेंट में तैयारी कर रहा था, उसी टाइम मेरा स्टेट गवर्नमेंट में गुजरात में हो गया था सीएचसी में। गुड गुड, फिर उधर से मतलब थोड़ा एम्स का किसी ने बोला था कि ऐसा कुछ होता है, भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, तो मन में वही था कि एक बार चलो ट्राई करते हैं। तो उस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, फिर उस टाइम में पहले ही बार में मेरा हो गया था आंध्र प्रदेश में, मंगलगिरी, एम्स मंगलगिरी में। ओके। हाँ फिर एम्स मंगलगिरी में आ गए, उधर आके फिर से मतलब घर से नजदीक तो जाना ही था, इधर मतलब तेलुगु लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, खाना वाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मतलब अल्टीमेटली इधर तो घर पर जाना ही था, पर मतलब नसीब नहीं है कि हमारी राजकोट आए। लास्ट 2 साल से ओके, आया नहीं है। बहुत ओके, तो 2 साल अच्छी से बात आया है, है, आप पर गुजरात से आते हैं, और गुजरात के साथ साथ आपने लगातार तैयारी की, पहले स्टेट गवर्नमेंट की, आपने वहां पे अचीवमेंट लिया, उसके बाद आपने पिछला नॉर्थ स्टेट जो आपने दिया था उसके अंदर मंगलागिरी, एम्स मंगलागिरी मिला था, और वहां पे आप एस्टेब्लिश है। और सबसे अच्छी बात है ना कहीं हर बच्चे के दिल में रहता है, हर इंसान के रहता है कि घर के अंदर एम्स है तो क्यों नहीं उसके अंदर जाया जाए। और सबसे बड़े, मैं तो बोलूंगा अभी थोड़ा नसीब खराब ही मानेंगे, अच्छी रैंक जरूर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार भी ऐसा होता ना कि एक घर के नजदीक जाना है। एम्स राजकोट 2 बार हो गया, दोनों बार भी भर्ती नहीं निकाल रहा है, तो थोड़ा सा तो रहता ही है। चलो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छी रैंक आपने हासिल की है, तो एक एक्सपीरियंस आपके पास, एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है। मैं जानना चाहता हूं कि ड्यूटी रहती है, जैसे आप बता रहे हैं कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो एक तो स्ट्रेस ये भी रहता है, कहीं ना कहीं एक फूड की भी प्रॉब्लम है कि हम अदर स्टेट में रहते तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ ड्यूटी का प्रेशर, ये सारी चीजें एक साथ रहती है, तो उसमें आपने कैसे मैनेज किया? सर इसमें ऐसा है कि मैनेज में मतलब ड्यूटी का प्रेशर थोड़ा बहुत तो रहता ही है, खाने का भी रहता ही है, पर मतलब थोड़ा शेड्यूल हम बनाते, जैसे कि हमारा शेड्यूल होता है तो उस वो हम फॉलो करते हैं ना, तो हमारा सारा काम इजीली होता है। शेड्यूल फॉलो नहीं करते तो हमारा ऐसे काम आधा अधूरा ही रह जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूटी
जैसे कि मॉर्निंग ड्यूटी होती है तो इवनिंग में स्टडी का प्लान बनाते, इवनिंग में ड्यूटी है तो मॉर्निंग में प्लान बनाते, नाइट है तो सुबह में पढ़ते, ऐसा स्ट्रेटेजी होता है। मतलब जब कभी भी टाइम ओके मिले तब बुक्स ले लेना, वही सिंपल फंडा है, ज्यादा कुछ है नहीं। जब कभी भी फ्री पढ़ो बुक्स ले लो, खत्म बात। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ कि आपने ये फंडा अपना लिया कि भाई मॉर्निंग है तो इवनिंग में पढ़ना शुरू करो, इवनिंग है तो मॉर्निंग में पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा, ड्यूटी के अकॉर्डिंग ही सारा सब कुछ खेल करना पड़ेगा और उसी के अनुसार कंटिन्यूसली चलते रहना पड़ेगा, और यही आपने सब कुछ किया। बच्चे जानना चाहते हैं कि सर इतना बड़ा अचीवमेंट आपने लिया है तो ये जो कितने घंटे, जैसे बोले ना मॉर्निंग में इवनिंग में पढ़ रहे हैं, इवनिंग मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, तो एक कंसिस्टेंसी होती है, तो क्या रोजाना कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे और कितने घंटे पढ़ रहे थे? मतलब मोस्टली तो रोजा नहीं पढ़ रहे थे, समटाइम ड्यूटी के कारण, समटाइम बाहर घूमने जाना होता है, समटाइम कोई दिन तो ऐसे ऐसे छुट्टी हो जाती है, पर मोस्टली तो बुक्स ही होती है हाथ में, तभी गुड, कुछ होता, वरना नहीं हो पाता इतना तो। मतलब आ जाता हूं टीएनसी पे, और टीएनसी के साथ वैसे तो आपने पुराने इंटरव्यू में बता रखा है, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहता हूं, यहां पे इस बार फ्रेश इंटरव्यू है तो मैं फिर से पूछूंगा, टीएनसी के साथ जुड़ाव कब से है? 1.5 साल से, मतलब 1.5-2 साल से हमारा जुड़ाव है, तो टीएनसी तो मतलब एमसीक्यू के लिए तो उससे अलावा बेस्ट कोई है ही नहीं। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए तो उसके, मतलब मैंने वही पहले मैंने थियरी सेल्फ स्टडी किया था और बाकी और कुछ लिया था, पर मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं थी, तो एमसीक्यू के कारण तो सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल, नामुमकिन जैसा ही है। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, मतलब कोई भी स्टूडेंट है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के बिना अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा शायद, उस थोड़ी देर के रह जाओगे, पर एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई टीएनसी ले लो, तो मैंने सोचा कि एक बार चलो ट्राई कर ही लेते हैं, तो ये नहीं तो वो है, तो ट्राई कर लिया। तो ओके उसके कारण मतलब लास्ट नॉर सेट में भी अच्छा रैंक आया था, उस टाइम तो टीएनसी मतलब फुल फुल किया था, मतलब पूरा डेली टेस्ट दे बहुत ही रहा अच्छी था, बात है, मल्टीपल। आपके दोस्तों ने आपको सजेस्ट किया था, और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दोस्त जैसे आपने ये चीजें बताई है ना, बहुत बहुत सारे बच्चों के कंसेप्ट आज यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि बस थ्योरी पढ़ने से सारा चीजें हो जाती है, तो मैं आपसे ये भी स्ट्रेटजी जानना चाहता हूँ कि आप जैसे एक टॉपर्स बने, कोई बच्चा आज आज से सोचता है कि मुझे तो भैया रैंकर्स बनना है, तो आप उसको क्या स्ट्रेटजी देना चाहते हैं कि भैया इस ये एक फेज है कि भैया हमें पहले ये करना चाहिए, फिर उसके बाद ये करना चाहिए, फिर उसके बाद ये करना चाहिए, अगर आपने ये चीजें नहीं की तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, तो वो एक फेज होता है, तो उस फेज के बारे में आपकी क्या राय है, किस फेज से गुजरना चाहिए एक फ्रेशर्स बच्चे को? तो सर जैसे कि हम नर्सिंग में ही है, तो हमको पता है हम 3-4 साल तो हम कॉलेज में पढ़ते, तो हमारा एटलीस्ट 50% बेसिक कॉन्सेप्ट तो वो उधर ही क्लियर होता है, ठीक है। फिर हम बाद में प्रिपरेशन करने के लिए आते, वो भी हमको पढ़ना तो नर्सिंग ही है, बाकी कुछ सेपरेट तो है ही नहीं। तो उसमें ऐसा है कि जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे कि मेडिसिन ले लीजिए, उसमें ईसीजी टॉपिक ले लीजिए, ठीक है। तो ईसीजी आपने कोई कोई सी भी एकेडमी से कोई सा भी लेक्चर देख लिया, चलो उससे आपका अपना कॉन्सेप्ट उधर ही एक बार तो क्लियर हो जाएगा, है ना। पर हमको एग्जाम उस दिन नहीं देनी है, हमको एग्जाम देनी है 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद तब तक याद रहे उसके लिए हमको कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आज कोई टॉपिक पढ़ा है ना, तो वो तो मेरे को आज तो अभी मैं डॉक्टर, मुझे लगेगा मैं ही मेडिसिन डॉक्टर हूँ, मेरे को लगेगा मैंने MD कर ली, बिल्कुल, है ना। तो क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यार मुझे सब कुछ आता। तो फिर हमने वो टॉपिक पढ़ लिया, तो चलो आज के दिन तो आपका वो ईगो हाई होगा। फिर उसका जो टॉपिक किया उसका एमसीक्यू उसी ही दिन करना है, वो आपका गोल होना चाहिए, क्योंकि आप लेटर पर रखोगे तो वो लेटर ही होगा, और वो आप टॉपिक भी फॉरवर्ड कर जाओगे। तो जो भी करेक्ट, टॉपिक किया उसी दिन उसका एमसीक्यू करो, और रात को सोने से पहले जो भी दिन में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करो, ठीक है। ओके, गुड, फिर दूसरे दिन दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसको एक बार रिवाइज करने में 5 से 10 मिनट लगते, ज्यादा नहीं लगते। ऐसे ऐसे करते करते जैसे कि आप 6-7 दिन तक लगातार उसी टॉपिक को 5-10 मिनट दोगे ना, तो वो आपका टॉपिक है ना एटलीस्ट 6 से 10 मंथ तक आपका माइंड में ऐसे गड़ा रहेगा, है ना। फिर आपको एग्जाम आएगी तभी आप अच्छे से आंसर अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना आज पढ़कर तो अभी तो मेरे को लग रहा है, पर बाद में एग्जाम दूंगा तब नहीं याद आएगा तो मतलब ही नहीं है ना। फिर आपको रैंक लाने के लिए कोई भी क्वेश्चन सही करना है, आजू बाजू का तो सबको पता ही होगा, पर सही करने के लिए आपको रिवीजन करना होगा, और रिवीजन को पोस्टपोन नहीं करना है। कम करोगे तो लेकिन चलेगा, कम करोगे तो चलेगा, पर जो किया है उसका बहुत रिवीजन करना है।
बहुत ही बढ़िया। लर्निंग करनी है सबसे पहले, बेसिक कंसेप्ट अगर मेरे दिमाग में जो आ रहा है, सबसे पहले लर्निंग करें, टॉपिक को लर्न करें, उसके बाद रिवीजन करें, और लास्ट में जो आती है वो प्रैक्टिस। वो तीनों चीजें, LRP फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया है, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, अगर ये तीनों चीजें करते हैं तो 101% एक अच्छा रैंकर्स बना जा सकता है। और वही चीज आपने यहाँ पे बताई कि जरूर जरूर ये चीजें करनी चाहिए। अब बात आ जाता हूँ एंजाइटी पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आज मेरे मन में है, मैं आज सारी चीजें आपसे दिल खोल के पूछ रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन बच्चों के हैं, ये बच्चे जानना चाहते हैं कि सर हम पढ़ते भी हैं, हर चीज मेहनत भी कर रहे हैं, हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, रिविजन भी कर रहे हैं, लगातार TNC के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एंजाइटी है। एग्जाम में जाने से पहले एक एंजाइटी वाला माहौल हो जाता है, बहुत डर लगता है, अरे यार क्या होगा क्या होगा, और उस एंजाइटी के चक्कर में गलतियां कर देते हैं, तो वो उसको कैसे कंट्रोल करें? सर एंजाइटी का तो मतलब ऐसा है ना कि जैसे आपने प्रिपरेशन किया है ना तो आपको इतनी एंजाइटी नहीं होगी, आपने कम प्रिपरेशन किया है तो ज्यादा, वो इनवर्स रिलेशन में, ज्यादा करेक्ट प्रिपरेशन करेक्ट कम एंजाइटी, कम प्रिपरेशन ज्यादा एंजाइटी, वो इनवर्स रिलेशन रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए तो मैंने जो अभी उसके पहले मैं जो टॉपिक वाला बोला कि अभी टॉपिक करना है, उसका रिविजन करना है, उसके MCQ करना है, उसका रिविजन करना है, ये करोगे ऑटोमेटिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऑटोमेटिक आप एग्जाम में इंप्रूव करोगे, ठीक है ना। तो एंजाइटी एट अ टाइम कम कर, वो तो कम मतलब वो तो भगवान ही आके कम कर सकता है, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो वो कंपलसरी एंजाइटी आनी 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 ही है, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, सब पढ़ रखा है, तो थोड़ी बहुत आएगी, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि जैसे कि आप एग्जाम में गए तो आप एग्जाम में जाने के बाद अगर आप एंजाइटी करोगे तो आपको आता होगा वो भी भूल जाओगे, आपके हाथ में रिजल्ट है, नहीं है। जैसे कि मेरा इस बार रैंक आया, अगली बार ना भी आए, अगर आ भी जाए है ना, तो मैं एंजाइटी करूंगा तो पक्का नहीं आने वाला है, पक्का नहीं आएगा। पर मैं फ्री से एग्जाम दूंगा अगर मैं रिजल्ट की मतलब टेंशन नहीं करो, रिजल्ट के टेंशन के बिना अगर मैं जो भी मेरे को जितना आता है, जैसे कि मैंने 6 महीना थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, जितना भी मैंने पढ़ रखा है उसमें से क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा ना, ठीक है। तो उससे बाहर आएगा तो वैसे भी नहीं आने वाला है, तो जितना आता है उस पर फोकस करो, और जो होने वाला तो वो आज तक होता ही है, आज तक जितने बच्चों ने एग्जाम बिल्कुल दिया जो होना है वो ही, जैसे कि इस बार मेरा है, अगली बार मैंने प्रैक्टिस तो पहले भी किया था पर उस बार 101.08 आया था, इस बार 2 आ गया। तब प्रिपरेशन करो, एंजाइटी ऑटोमेटिक जाएगी। और एक बार गुड, मतलब एक बार ऐसा है कि जैसे कि अब कोई भी प्रिपरेशन करते हो फुल फोकस उस टॉपिक में होना चाहिए, प्रिपरेशन करते हो फिर आपका दिमाग कहीं और जा रहा है तो वो टॉपिक नहीं आएगा, फिर आपको मन आपको माइंड ऐसा लगता है कि मैंने प्रिपरेशन किया पर एक्चुअली आपका ध्यान दूसरी और जगह था। बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है, और लगातार फोकस उसी पे होना चाहिए। जैसे कि TNC हमेशा ये भी ऑर्गेनाइज करती है कि जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पेपर रहते हैं, तो आप बिल्कुल उस टॉपिक को पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं कि हाँ बस ऐसे उसको हल्के में नहीं लेना है, वो आप जो बता रहे हैं वो बहुत ही काम की चीज है, और वो बहुत ही शानदार चीज है, क्योंकि यहाँ आज मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि बच्चों को माइंड में बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि यार ये, कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो प्रीलिम्स का पेपर तो दे देते हैं लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए हाँ आपका ये जवाब बिल्कुल फैक्ट है कि यार आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, और उस टॉपिक के बारे में कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप लगातार कंटिन्यूसली एग्जाम दे रहे थे, TNC के साथ लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, लगातार आपने क्वेश्चन निकाले हैं, वीडियो MCQ देखे हैं, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिस जो रोजाना आप कर रहे थे, तो माइनस मार्किंग भी हो रही थी, तो माइनस मार्किंग को कैसे कंट्रोल किया? सर माइनस मार्किंग में मतलब ऐसा है ना कि जैसे कि मैंने जो पढ़ रखा है उसमें से क्वेश्चन आता है तो मैं अटेम्प्ट करता हूँ, अगर वो कोई क्वेश्चन है मैंने पढ़ ही नहीं रखा है तो मैं उसको टच भी नहीं करता, जाने देता हूँ, क्योंकि जो हमें पता नहीं है वो 110% रॉन्ग ही होगा, रेयर केस में ही सही होगा, तो वो तो क्वेश्चन जाने वाला है और दूसरा जो सही होगा उसको भी लेके जाएगा। तो जो नहीं वेरी पता है गुड, उसको स्किप करो और जो पढ़ रखा है उसको उस पर फोकस करो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार चीज बताई है कि भैया एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, अगर एक्यूरेसी मेंटेन हुई तो ऑटोमेटिकली माइनस मार्किंग कंट्रोल हो जाएगी। बच्चे यही गलती करते हैं। अब मैं यहां से बच्चे के मन में ये क्वेश्चन जरूर आ गया होगा, मेरे मेरे से पूछने से पहले वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया टॉपर से पूछ लिया जाए कि भैया सबसे बड़ी बात प्रीलिम्स में क्या स्कोर रहा, और मेंस में कितने क्वेश्चन किए, कितने गलत किए। ये देखो कमेंट सेक्शन में आने से पहले ही मैं ये पूछ लेता हूँ कि ये क्वेश्चन पहले से ही पता होना चाहिए। तो सर प्रीलिम्स में ऐसा था, प्रीलिम्स में अराउंड
76 अटेम्प्ट किया था, पर वो 4 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया था, तो 80 वो ऑटोमेटिक हो गया था, वो कैसे पता नहीं, पर 80 हो गया था। उसमें से 71 करेक्ट थे और 9 इनकरेक्ट थे। और मेंस के अंदर मैंने अटेम्प्ट किया था 151, उसमें से 24 रॉन्ग हुए थे। ओके, 151 आपने अटेम्प्ट किए थे और 24 गलत हुए थे, क्योंकि बच्चा जानना चाहता है, हर बच्चा ये कोशिश करता है कि टॉपर्स के कितने परसेंटेज बने, टॉपर्स के कितने परसेंटेज बने। तो यहाँ पे क्लियरिटीज हो गई कि भाई 151 अटेम्प्ट किए थे, 24 उनके गलत हुए, बाकी परसेंटेज बच्चा खुद ही निकाल लेगा, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा था, जैसे आपकी ड्यूटीज होती थी, ड्यूटीज के साथ इस बार राजकोट एम्स ने भर्ती नहीं निकाली, वैसे आपको सीट आ गई थी, तो आपके माइंड में ये नहीं था कि यार चलो ऐसे ही एग्जाम देके आ जाते हैं, चलो ठीक है देके आ जाए, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा देखा जाएगा, ऐसे मन में ख्याल नहीं आए? मतलब ख्याल तो वही था कि एग्जाम देने जाना है, उससे कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ नया क्वेश्चन आएगा, वो सीखने को मिलेगा, एग्जाम तो देना ही था। पर ऐसा ही मतलब सोचा, कोई भी मतलब कोई भी जब किसी का भी वो अच्छा रैंक आएगा ना, तो उसको पता नहीं होगा कि उसका आएगा, वो सिर्फ मतलब जितना टाइम मिलता है वो स्टडी करता है, ऑटोमेटिक ही वो आ जाता है, किसी को भी नहीं पता होता। जैसे कि आपको भी पता होगा, कोई भी आपने काफी लोगों के इंटरव्यू लेगा, उनको नहीं पता होगा कि मैं ए सेकंड रैंक लाने के लिए, वो सब स्टडी करते हैं, ऑटोमेटिक ही वो आ जाता है, उसमें कुछ मतलब ऐसे सोचना नहीं होता, पर अच्छी बिल्कुल, तरीके ये बात बिल्कुल फैक्ट बोली कि ऊपर तो खुद को नहीं पता होता है कि यार क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सारी चीजें। अब मैं थोड़ा सा आपसे टॉपर्स होने के नाते एक बहुत सारी चीजें पूछता हूँ। आजकल का जमाना इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब्स बहुत सारी चीजें एक डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, हर बच्चे को डिस्ट्रक्ट कर देती है, बच्चा पढ़ने कुछ और बैठता है, ले कुछ और जाता जाता है, एक रील आई दूसरी रील आई। तो क्या आपकी क्या राय है इसके बारे में कि हाँ भाई अगर आपको टॉपर्स बनना है और आपको रैंक लानी है और अगर आपको सिलेक्शंस लेना है तो किस प्रकार से इस डिस्ट्रक्शन से बचें? ये सब एक बात बोलो ना, ये इससे पहले मैंने जितना भी ज्ञान दिया ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये ज्ञान है। आपने जो अभी बताया ना, ये खत्म ना तो आगे वाली सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी, समझ रहे हो? तो इसमें ऐसा है कि देखो, जो कोई भी सोशल मीडिया मीडिया एप्स है उसको अभी की अभी अनइंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल ही ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसको थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने के लिए रखे। माइंड फ्रेश करने के लिए काफी कुछ है, तुम वॉक कर लो, अच्छे से पानी पी लो, थोड़ा सा पुशअप कर लो, ये सब है। पर ये अगर आप मतलब आप दोनों साथ में करोगे तो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब मैं ऐसा नहीं, मैं बोलो मेरा हाँ, इंस्टॉल बिल्कुल ही सही था, बात बता रहे मैं हैं गलत कि नहीं भाई बोल रहा हूँ, पर उससे मतलब माइंड डिस्ट्रैक्शन होता 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 ही है। अगर आपको 6 महीना में जॉब चाहिए, अच्छे रैंक्स के साथ चाहिए, तो 6 महीना सिर्फ आप अनइंस्टॉल कर दो, बाद में जब आपका रैंक आएगा तब पोस्ट करना। पहली पोस्ट आपकी वही होनी चाहिए जो आपका रैंक आए, वही तो, वो उससे बड़ी आपको बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी। ऐसे आप जैसे कि डेली आप इंस्टाग्राम किसी ने रील्स पे जा देखोगे, इंस्टेंट 5 मिनट प्रेजर प्लेजर मिलेगा, कोई अच्छी रील्स होगी, फिर बाद में कोई ऐसी सैड आएगी तो सैड हो जाओगे, उससे अपना वो माइंड का बैलेंस हिल जाता है। तो मेरा तो यही राय होगी कि सारे सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल कर दो, फिर ऐसा माइंड में सेट कर लो कि जब कभी भी मेरी रैंक आएगी, मेरा अच्छा सिलेक्शन होगा, तो मेरे घर वालों के साथ में मैं वो फोटो रख के मैं स्टोरी डालूंगा, तब आपको जो खुशी होगी ना, वो सब बाकी सब कुछ नहीं है उसके आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त बात बोली है, क्योंकि ये क्वेश्चन से मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, कि आपके मुंह से सुनना चाहता था कि मैं ये चीजें आप बताएं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि एक रील के चक्कर में 1 घंटा खराब कर देते हैं, और ये बच्चा कई बार तो ये मेरे से खुद से हो जाता है, जब मैं कई बार ऐसे काम करता करता एक रील सामने आ गई तो मैं खुद रीलों में खो जाता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो यार इनका क्या हाल होते होंगे। तो आपने सही आइडिया दिया कि भैया अगर आपको 6 महीने में सिलेक्शन लेना है ना, तो सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा, आपको इन सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा और उसके साथ आपको कंटिन्यूअसली चलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बात। टीएनसी के अंदर, मैं टीएनसी की बात करना चाहूंगा, टीएनसी के अंदर सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगती थी? बेस्ट चीज मतलब वो डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू होते हैं, जैसे कि मेरा मेरा पर्सनली वीक पॉइंट ये था कि मेरे को टॉपिक वाइज एमसीक्यू नहीं पता थे, मेरा टॉपिक क्लियर नहीं थे, तो मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू करता था, जो भी आप वो फंडामेंटल जो भी सिस्टम वाइज डालते थे मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू करता था, फिर मैं ऐसे उसको छोड़ नहीं देता था, आज किया उसको रिवाइज किया, फिर मैंने प्रैक्टिस मोड, मैं ज्यादा प्रैक्टिस मोड का यूज करता था, मैंने वो रैंक लाने के लिए यूज नहीं करता था, क्योंकि प्रैक्टिस मोड में हम करते हैं ना, तो जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ा हमने
वो अटेम्प्ट किया, तो उसी टाइम उसका रियल आंसर मिल जाएगा, तो आपके माइंड में वो रियल आंसर भी स्टक हो जाएगा। तो वही मेरे को सबसे बेस्ट चीज लगी, मतलब कि एट अ टाइम प्रैक्टिस मोड में जाके करो, जो भी गलत है उसको लिखो, क्वालिटी पे बिलीव करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे बताया। क्वालिटी पे बिलीव करना है और लगातार कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है, फिर से जाके वापस से उनको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। आपने रिवीजन को बारंबार फोकस किया है और रिवीजन ही सबसे बड़ी चीज है। और टीएनसी के जो आपके जो अलग अलग से जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज होते थे वो आपको बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ी और चीजें जानने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछना चाहता है, कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जो आपको यहाँ तक लाने में हेल्पफुल रही है। बुक्स में तो सर जैसे कि एटमोस्ट हमारे नर्सिंग के लिए आपको पता ही है टारगेट है, जो PR यादव, PR यादव वो है जो सिंपलेस्ट मतलब लैंग्वेज है, टारगेट हाई है वो थोड़ी थोड़ी हार्ड लैंग्वेज है, पर उसमें जो मटेरियल है वो तगड़ा मटेरियल है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है। और मतलब अगर आप ये सब को क्लियर कर दिया तो उसके बाद में एंक्लैक्स की जो आती है वो सॉन्डर्स वाली बुक्स, ये तीनों कर लोगे ना बेड़ा पार ही है, खत्म, टॉपर बनने से कोई बिल्कुल नहीं रोक सही बात सकता। है, ये तीन बुक्स ले लो और साथ ही साथ टीएनसी के साथ चलो तो 101% बेड़ा पार है, कोई डरने की जरूरत नहीं। बहुत ही अच्छा लगा, आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई और बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे बताई बच्चों को कि इस प्रकार से एक मेहनत करनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए तो सिलेक्शन होता ही होता है। पिछली बार आपकी 108 और इस बार ऑल इंडिया रैंक 2 आपने हासिल किए, बहुत ही जबरदस्त रैंक। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि भगवान से दुआ करता हूँ कि भैया जब भी राजकोट एम्स आए ना तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट जरूर जरूर नेल किया है और मैं फिर से एक इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिले, मैं ये बिल्कुल दुआ करता हूं। और आप हमेशा उसके लिए मेहनत करते रहे, लगातार टीएनसी के साथ कंटिन्यूअसली रहे। लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे कि बच्चा इस समय लास्ट में एक आपसे सजेशन चाहता है कि भैया नेहल भाई ऐसी चीज बता दी जाए कि मुझे एक चीज आपकी तरफ से गिफ्ट कर दो या ऐसा ज्ञान दे दो, एक सजेशन दे दो जिससे मेरा सिलेक्शन 101% तय हो जाए। स्पेसिफिकली की तो कोई राय मतलब है नहीं, पर मैं देखता हूँ, पर जो मैंने आगे जो बताया ना वो सब ही राय है। मतलब देखो स्पेसिफिकली मैं आपको जब मेरा पर्सनल है ना, मैं मुझे जो बताया कि आप सिर्फ दो चीज करोगे ना, वो सोशल मीडिया से दूर रहोगे मतलब स्टॉप, और रात को 10 बजे से पहले सोना है और सुबह में 4 बजे उठना है। ये मेरी बिल्कुल मतलब ट्रिक है, ये कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक स्टडी होगी, सब ऑटोमेटिक होगा। अगर अगर लेट देर तक सोओगे, लेट तक सुबह से उठोगे नहीं, आपका पूरा बॉडी वीक रहेगा, पूरा मतलब कुछ फोकस भी नहीं कर पाओगे। तो यही बेसिक फंडा है, ये सुबह में मतलब अपना रूटीन होना चाहिए जो मैंने पहले ही बता दिया है, और मतलब वो मैंने पहले भी बताया था आपको, मैसेज भी किया था, हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स, खत्म, वही हार्ड वर्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत ही जबरदस्त एक सजेशन दिया है कि भैया हार्डवर्क बीट टैलेंट, ये बिल्कुल आपने एक फैक्ट बात बोली है और इस बात को मैं बिल्कुल समर्थ हूं कि बिल्कुल आपने ये बहुत तगड़ी बात बोल दी है कि भैया कितना भी बच्चा टैलेंट क्यों नहीं हो, कितना बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे, बहुत सारे टैलेंट देखे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, कहीं एग्जाम नहीं दे पाते हैं, कई बार बीच में 2 दिन दिया 3 दिन छोड़ दिया फिर उसका वो टैलेंट कुछ काम का नहीं रहता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नॉर्मल बच्चे एवरेज बच्चे होते हैं लेकिन मेहनत करने में इतने जबरदस्त होते हैं, एक शेड्यूल फॉलो करते हैं, जैसे आपने बताया कि इतने बजे सोना इतने बजे उठना, उसके बाद आपका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, सोशल मीडिया से दूरी, ये सारी चीजें होती है तो एक बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सारी चीजें हमारे साथ साझा की और बिल्कुल आपने पिछले इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीजें बताई थी और इस इंटरव्यू में भी आपने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की है। टीएनसी से आपने बहुत सारी चीजें सीखी और टीएनसी के साथ आपने मेहनत की है, लगातार आपने एक रैंक हासिल की है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमेशा मेहनत करते रहे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 9 सेट में भगवान आपको उस रैंक तक ले जाए जो मेरे हाथ में दिख रही है, टॉप 1 तक लेके जाए और गुजरात में जरूर जरूर आपसे मिलेंगे, बिल्कुल पार्टी होगी। अभी आप एम्स मंगलागिरी में हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ही आप हमेशा अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, साथ ही साथ यहां तक पहुंचाने में जितने भी गुरुजनों का साथ रहा है उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर जी।